अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी मुनीब स्पेशल। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चले आइए अब बनाते हैं। हम टिक्का मसाला जो बनाएंगे रेडी करेंगे, अब उसके लिए हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे पास दालचीनी एक अदद है, काली मिर्च 15 से 20 अदद यूज़ करेंगे, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लाल साबुत मिर्च 8 से 10 अदद लाल साबुत मिर्च हैं, लौंग 8 से 10 अदद लौंग है हमारे पास, बड़ी इलायची एक अदद, चिकन 1/2 kg आधा किलो चिकन हम यूज़ करेंगे। इन सब स्पाइसेस को हम ग्राइंड करेंगे। टिक्का मसाला हमने ग्राइंड कर लिया, हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 कलर फूड है और 1/4 हल्दी है, 1 टेबल स्पून लेमन यूज़ करेंगे, 3 टेबल स्पून दही। इन सब को हम मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेट करेंगे, लाल मिर्च, मसाला, फूड कलर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, लेमन जूस और लास्ट में योगर्ट दही। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मैरिनेट करके हमने इसको आधे घंटे रखना है। चिकन मैरिनेट करने के बाद देखिए हमने मिक्स कर लिया है इसको अच्छी तरह। अब इसको जो है हम आधे घंटे हम फ्रिज में रखेंगे। अब हम बिरयानी मसाला रेडी करेंगे और बिरयानी मसाला रेडी करने के लिए हमारे पास प्याज, हमने 2 मीडियम साइज प्याज काटे हैं, टमाटर हमारे पास 2 मीडियम साइज टमाटर हैं, और मसाले हमारे पास जो है टिक्का मसाला जो हमने बनाया था शुरू में वो हमारे पास 1/2 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1/4 हम हल्दी यूज़ करेंगे, हरी मिर्च है 5 से 4 अदद हम लेंगे, और साथ में तेज़पात है, छोटी इलायची है और दालचीनी है एक अदद। चिकन हमने आधा घंटा मैरिनेट किया था, आधा घंटा पूरा हो चुका है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल लेंगे और अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने पकने रख दिया है, अब इसको इतना पकाएंगे, आधा घंटा पकाएंगे इसको जब तक ये पक ना जाए। अब इस दौरान जो है हम मसाला रेडी करेंगे बिरयानी का। चिकन को हमने पकने रख दिया है, अब हम बिरयानी मसाला रेडी करेंगे। 1/2 कप हमारे पास ऑयल है, इसमें हम प्याज सारे डाल देंगे, प्याज को हमने जो है फ्राई करना है। ये देखें प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब जो है इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट में ऐड कर देंगे, और साथ ये सारे स्पाइसेस हम जो हैं सब इसमें ऐड कर देंगे। इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, जब टमाटर गल जाएं इसमें फिर हम दही ऐड करेंगे। अभी इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखें मसाला जो है अच्छी तरह भून चुका है और अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। Thank you.
हमने, देखें दही ऐड कर दिया इसको अच्छी तरह, आप पकाएं इसको। चिकन हमारा रेडी हो रहा है साइड में, तो जी अच्छी तरह इसको आप पकाएं। दही जो है आधा कप हमने यूज़ किया है दही इसमें, और इसमें जो है आलू बुखारा अब इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो है हमने आलू बुखारा ऐड किया है, ये देखें चिकन जो है रेडी हो चुका है, पक चुका है चिकन। अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे, इसको हमने कोयले का धुआं दिया है, 5 मिनट कुक करेंगे ताकि धुआं जो अच्छी तरह लग जाए। चिकन को जो है हमने कोयले का धुआं देने के बाद हम इस मसाले में हम इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और इसको जो है हमने अच्छी तरह इसकी अब बुनाई करनी है। और ऑप्शनल है आलू अगर आप डालना चाहें, मेरे पास आलू है, मैंने बॉईल कर लिए पहले से ही। इसको अच्छी तरह आप भून लें, बुनाई जो है आपने अच्छी करनी है इसकी। देखें मसाला जो है रेडी हो चुका है, अब हम चावल को जो है बॉईल करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब चावल बॉईल, चावल जो है बासमती चावल यूज़ करें। अच्छा ये रेसिपी जो है ये हाफ के जी रेसिपी है, हाफ के जी के हिसाब से हमने बनाई। चिकन हाफ के जी है, राइस भी हमारे हाफ के जी हैं। जी मसाला हमारा रेडी है, अब इसमें जो है 1/4 हमने जो है दही लिया है, इसमें हमारे पास फूड कलर हमने मिक्स किया है, इसमें ऊपर से जो है हम दही ऐड कर देंगे। तो मसाला रेडी होने के बाद जो है ना फिर आपने इस ऊपर इस तरह दही ऐड करना है। धनिया पुदीना और चावल जो है हमारे पास बासमती चावल है, हमने इसको 70% इसको जो है डन किया है, और इसके ऊपर हम इसकी अब लेयर लगा देंगे डायरेक्ट। चावल की जो है लेयर लग चुकी है, इसके ऊपर आप प्याज ऐड कर दें, और साथ जो है वो तिक्का मसाला जो हमने जो बचा था हमारे पास 1 टीस्पून, हम इसमें तिक्का मसाला जो है ऊपर से हम ऐड कर देंगे। और इसको हम 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट हम इसको दम देंगे। दम लग चुका है इसको, हमने 10 से 12 मिनट हमने इसको दम दिया है। देखें बिरयानी रेडी हो चुकी है, इसको अब आप डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है, इसको डिश आउट करते हैं आप। ये देखें चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और आप लोग ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।